सर, जो जैतपुर में रात को लूट के बाद मर्डर हुआ है, क्या है पूरा मामला बता दें सर। ये दयाराम हैं जो हमारे डिसीज्ड हैं, ये एक सीनियर सिटीज़न है, 60 प्लस की इनकी एज थी। एक प्राइवेट कंपनी में यहाँ पे नौकरी करते हैं और जो प्राइमा फेसी पता लग रहा है वो ये लगता है कि ताला बाहर से लगाया हुआ था इन्होंने एक दरवाजे पर, तो उनका शायद इंटेंशन चोरी का ही था क्योंकि वो ताले को काट के और अंदर घुसे थे चोरी के इंटेंशन से। उनको शायद ये लगा होगा चोरों को कि इस घर में कोई नहीं है, तो अंदर जब घुसे तो उन्होंने कुछ रेजिस्टेंस दिखाया जिसकी वजह से उनको स्टैब इंजरी से उनकी डेथ हो गई। तो पुलिस को कब कॉल मिली और कैसे क्या है आगे? पुलिस को कॉल मिली है लगभग 3:48 पे, उस टाइम पे बताया गया, पहली कॉल जब करी गई थी, दूसरी कॉल फिर अपोलो से मिली थी जिसमें MLC आई थी जब वो पहुंचे वहां पर उनको लेकर। तो सर घर में क्या लूटपाट हुआ है और कितने लोग ये थे, बदमाश थे, और जो हॉस्पिटल में डेथ हुई या घर वहीं पर स्पॉट डेथ हुआ? जो इंसिडेंट से पता लग रहा है उस लग रहा है कि 2 लोग तो मिनिमम थे, उसके बाद बाकी इसमें आगे पीछे कोई और इनके असिस्टेंस के लिए थे वो अभी वेरीफाई करना रह रहा है, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो अभी चल भी रहा है। और बाकी और क्या पूछ रहे थे? घर की ज्वेलरी ये सब? घर में कुछ ज्वेलरी भी मिसिंग बता रहे हैं, कुछ गोल्ड ज्वेलरी है जो बता रहे हैं कि मिसिंग है। तो ये दयाराम किस कंपनी में काम करते थे? ये यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी है ओखला में, कोई एक्सपोर्ट कंपनी है जिसका नाम बता रहे हैं, उसमें ये काम कर रहे थे एज सुपरवाइजर। पुलिस कितनी टीम बनाए हुए हैं सर आप लोग? हमारे 5 से 6 टीम लगी हुई है इस टाइम पे और CCTV फुटेज वगैरह निकाल रहे हैं और इसमें एफर्ट कर रहे हैं और इनको ट्रेल करते हुए पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कहीं पर कोई CCTV फुटेज मिला है कि कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं बदमाश? वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो अभी रिवील करना ठीक नहीं होगा, वो आपको जैसे चल रहा रहेगा आगे इन्वेस्टिगेशन आपको बता देंगे।